शुक्रिया अलैया साहब भाई। छिहत्तर रन का हदफ मिला है आजाद क्रिकेट क्लब की फ्रेंचाइज को, इंतजामिया को, उनके बैट्समैन को बजाय आसान टारगेट है, बजाय आसान स्कोर है, लेकिन क्रिकेट में जब जो छोटा स्कोर होता है वो मुश्किल होता है, वो परेशानी का सबब बनता है बैट्समैनों के लिए बहुत ही। लेकिन जिस तरह की तवक्को कर रहे थे कि ये बड़ा स्कोर होगा, बड़ा स्कोर का मैच होगा, लेकिन उस तरह वो स्कोर नहीं बन पाया जो कोटद्दू वर्सेज सदाम की टीम के का बड़ा टारगेट मिला था, लेकिन उसके बाद बस ये एक आसान टारगेट है, लेकिन क्रिकेट है आखिरी गेम का कोई फैसला अनाउंस नहीं किया जा सकता। आजाद क्रिकेट क्लब के पास मोदीशा काशिफ शेरवानी राणा जावेद तिवानी जैसे बड़े बैट्समैन की खिदमत हासिल है। मेहदी शाह की मुझे याद है कोटद्दू की सरजमीन पे स्टेडियम में मैच हुआ था आल पाकिस्तान, उस फाइनल में बहुत ही तबाहकुन बैटिंग की थी मेहदी शाह ने, तने तनहा वो मैच जितवाने में कामयाब हो गए थे मेहदी शाह। उनके साथ एक बहुत बड़ा बैट्समैन काशिफ शेरवानी, मर्द बुरहान, फखरे मुजफ्फरदार बड़ा बैट्समैन है, यकीन वो ये टारगेट बासानी चेस करने में कामयाब हो जाएंगे। मेरे पास थोड़ा सा कैन हस्ती का और सितारे का नाम अलाउंस कर गेंदे दे दें भाई, गेंदे दे दें। मलिक नईम अब्बास सामतिया उम्मीदवार एम पी ए हल्का 263 उसके उम्मीदवार है, उनकी काविश है, उनका तामन है, उनकी लगन, उनकी मेहनत, इतना बड़ा क्रिकेट का मेला सजान के अलावा एक और सितारा, एक और सामतिया बिरादरी का चश्मो चराग फखरे सामतिया बिरादरी मलिक तारिक सामतिया मलिक हसनैन हसी मार मुजम्मिल सुमरा सुमरा बिरादरी का यफखा सुमरा बिरादरी का चश्मो चराग, और उनके अलावा नियाज अहमद तोकीर मौलाना मौलाना बिरादरी का चश्मो चराग फखरे मौलाना बिरादरी मुजाहिद शाह सदाम शाह ये सदार बिरादरी के सितारे हैं, और उनके अलावा मलिक इब्राहिम दोगा भलैया मलिक अमीर गराफर लैया मलिक अमीर मोबीलैंड फ्रेंचाइज लैया मलिक मलिक अमीर क्वार्टर इंडस्ट्री कोट सुल्तान लैया, ये वो सितारे हैं जो हस्ती हैं जिनकी मरोड़े मिलना जिनकी काबे जिनके तावन जिनकी लगन से ये क्रिकेट का मेला आज लैया की सरजमीन पर अपनी आमोतार से जारी। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इनको वेलकम कहते हैं। अगर इसी तरह आपका तावन आपकी मेहनत आपकी लगन आपका दस्ते शफकत का हाथ इन नौजवानों पर रहा तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस तरह के बहुत बड़े इवेंट इस सरजमीन पर मुनक़द होंगे, इसी तरह बड़े क्रिकेट की खुशियां मिलेगी नौजवान खिलाड़ियों को, इंतजामिया के लोगों को, करोड़ के लोगों को। बैठे के लिए नमूदार हुए पाक आर्मी का जवान फखरे पाक आर्मी औलिया अल्लाह की सरजमीन मुल्तान का वासी एहसान फौज एहसान मेरा भाई, और इनके अलावा राणा जावेद तिवाना फरजान के मुजफ्फरगढ़ फखरे मुजफ्फरगढ़ बॉलर का नेम बता दें भाई जॉन शाह अलमरुफ जॉनी
गेंद जॉनी के हाथ में, सामना करेंगे फखरे मुजफ्फरगढ़ हराना चाहते तिवाना से। जॉनी दूसरे सेमीफाइनल की दूसरी गेंद की पहली गेंद, अब बॉलर अपने बोले के निशान पर फील्ड का जायजा लेते हुए अपने निशान पर मौजूद ऐसा ऐसा चल कर बिगड़ में भागना शुरू किया। अब भैर को क्रॉस किया शतक के स्कोरलेट बहुत ही जाने खेले वहां फ्रीजर मौजूद एक रन का दम मौजूद रखा। आप देखते हैं कि फौजी एहसान किस तरह की बैटिंग करते हैं, बड़े बड़े छक्के लगाने की ये सलाहियत। अभी हाल ही में रंगपुर जिला मुजफ्फरगढ़ की सरजमीन पर टूर्नामेंट हुआ था, गोकेन की टीम इन्होंने खानपुर बंदर शेर की नुमाइंदगी की थी और टूर्नामेंट बराबरी की सतह पर खत्म हो गया था, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में इस फौजी जवान ने बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की थी, क्या उमदा जारहाना बैटिंग की थी। आज भी उनकी इंतजाम उसी तरह की बैटिंग की तरफ कट करना चाहते थे, दीजिए बहुत ही उमदा गेंद बहुत ही शानदार गेंद, कमर पर हाथ रखे हुए बहुत ही उमदा तेज गेंद करते हुए फौजी एहसान की तरफ से ज्यादा गेंद खेले जाते हुए के इशारे का इंतजार हुआ। इस बार अपने बॉल ठीक करते हुए अपने बॉलिंग के निशान पर वापस पड़े जॉनी, सोचो विचार में मसरूफ कि कौन सी गेंद करूं कौन सी ऐसी मैं डिलीवरी करूं जिस पर फखरे मुल्तान की मैं विकेट हासिल करूं, मुल्तान का मैं किला फतह करूं, लेकिन ये इस बॉल पर पता चल जाएगा कि जॉनी किस तरह की गेंद ये करते हैं एहसान और फौजी को। ऊंचा खेल दिया है इशारा बैट में आएगा, मैं आपको पहले बता देता हूं ये छक्का बहुत ही उमदा बहुत ही शानदार शॉट, जिस वक्त गेंद बैट से टकराई थी उसी वक्त अंदाजा हो गया था ये गेंद 6 रन के लिए। हां जी हां, गेंद के लिए 6 रन के लिए। हयाती फौजिया हयाती हयाती जवान ये मारे सोनी शार में बच्चा बार बड़ा स्टोक नहीं खेलने दिया जॉनी ने, उमदा कम बैक किया छक्का खाने के बाद सही लेंथ पर गेंद की, कोई बड़ा स्टोक खेलने के लिए जगह फराहम नहीं की। पाक आर्मी के जवान को फखरे पाक आर्मी एहसान जिनका ताल्लुक औलिया अल्लाह की सरजमीन मुल्तान से है, जॉनी कोई तकलीफ महसूस कर रहे हैं कमर में, कोई इंजरी का शायद मसला हो या कोई ज्यादा मैच खेलने की वजह से। हाँ अभी मुझे खबर मिली नाइट मैच खेला ये हाँ राणा साहब वापस आओ, इस टाइम कर गए जिस जगह खेलना चाहते थे वहां सही जगह तय नहीं कर सके, कुछ देर के लिए ऐसा महसूस हुआ मगर गेंद बहुत लाउंड से बहर जाएगी। अब इंतजार की घड़ियां खत्म, जिस शहजादे की जिस हस्ती की आंखें मुंतजर थी बिला फिर वो सितारा नमूदार हो चुका है। आले नदी उलाद अली फखरे सदार फखरे मुजफ्फरगढ़ फरजांदे मुजफ्फरगढ़ मेहदी शाह आलमरू बंदे शाह पवीले से नमूदार हो चुके हैं। जो करोड़ के लोग ऐसे सदार में बैठे थे जिसका मेहदी शाह बैठे के लिए आए, तो मेरी उनसे गुजारिश है जो ग्राउंड पर रख करें। राणा जहाजेब तिवाने के आउट होने के बाद मेहदी शाह पवीलियन से नमोदार हुए, जब मेहदी शाह का बैट स्कोर करने लग गया तो फिर इसको रोकना मुश्किल होता है, फिर इसको रोकना किसी बॉलर के बस में नहीं होता, जल्दी मुखालिफ बॉलर इनको आउट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो यकीनन एहतियात क्रिकेट क्लब के बैट्समैन दबाव में आ जाए, उनकी टीम दबाव में आ जाएगी, अगर एक या दो बार खेलने में मेहदी शाह कामयाब हो जाते हैं तो फिर इनको अशरफ भाई आउट करना मुश्किल होगा, या मेहदी शाह अगर एक या दो ओवर खेलने में कामयाब हो जाते हैं या सच हो जाते हैं।
अब्दुल मालिक जिस भंखर का वासी अब्दुल मालिक नौजवान और फास्ट बॉलर भारत में शुरू किया सामने करे फखरे बल्टान आए थे दूसरा खेल दिया हवाई खेल और गेंद आसमान से बातें करते हुए बाउंड्री लाइन से मैच चली गई छह रन के लिए तमाम फील्डर हर्षित कर निगाह से गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर जाता देखते रह गए और गुजारे कर भी क्या सकते थे। बहुत ही उमदा स्ट्रोक बहुत ही शानदार स्ट्रोक जैसे गेंद को सरकार भी सेटा लगा हो यह हवाई खेल एक उमदा स्ट्रोक बहुत ही शानदार स्ट्रोक और ये शामियाने के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बैच चली गई छह रन के लिए हवाई फेरे करते हुए भूटान का शहजादा पठान असर वेलकम कहता हूं हमारे विस्तृत भैया की मिसाइल सरकार हाफिज रियाज और खुदाब स्कूलू वो भी इस वक्त अपने साथ का गुजारा करने के लिए हमारी स्टेज पे पहुंच चुके हैं हाफिज रियाज और खुदाब स्कूलू वेलकम और मैं उनको यहां दावत देता हूं प्लीज हाफिज रियाज और खुदाब स्कूलू मिसाइल सरकार टेलीविजन की सरकार रेडियो की बहुत ही जबरदस्त शुरुआत की जब निशा ने आते ही तो बहुत करती है फौजी ने हसान और हयातियां फौजिया हयातियां कार बनकर टूट पड़े अब्दुल मालिक पर फौजी के रहमो करम पर अब्दुल मालिक हेलो हेलो और ये हेलो हेलो सिक्स नंबर फोर हेलो 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 बहुत ही उमदा बहुत ही तबाहकुन बैटिंग कार बांध कर टूटे हैं फौजी एहसान मुल्तान का शहजादा फखरे मुल्तान अब्दुल मालिक पर कहर बनकर टूट पड़े सोचा नहीं था अब्दुल मालिक ने कि फौजी साहब मेरे साथ ये सलूक करेंगे दो ओवर के अख्ताम पर 33 रन बना लिए एक आउट खिलाड़ी के आउट होने के बाद कलूर कोट वर्सेज एहतियाद सॉरी आजाद 33 रन बन 33 हेलो हेलो टेक्सान हेलो थोड़ा आवाज हेलो बात स्टार जनरल इंडिया ते पाकिस्तान दा क्या होता है आदर बंदा आवाम जो भी हेलो असा पाकिस्तान दा मशहूर हेलो खिदमत गुजार है वो दिल नाल पड़ने सगा दिल नाल पड़ने सागा मैं गोशार सेक्स दिल नाल पड़ने सागा मैं गिन के चराया होता है बराबर सागा पानी का मैं गिन के
बगल विच पैसा चोला ओ वैसी ककरोला बगल विच पैसा चोला ओ वैसी ककरोला चोला सोला सोला करो सकीदा चोला चोला करो सकीदा अजीब किस्मत में फेर लग गए मुखा पे दर्दा में फेर लग गए शादी फेरी हवा की दे है किनहा में पिता में दिल लग गए दिल लाल धड़कने दिल नाल भरन में सगा मैं गिन के रंग मार के तजोला तजोला बोलो सगीदा सोना बोलना बोलो सगीदा सोना सोना बोलो सगीदा दारी चाटे मुझ भी चाटे रंग नाल कुहारी चाटे मुझ जे और दीवार लिची का दुआ से तो जाने चाटे दिल नाल भरन में सगा मैं गिन के रंग मार के नौजवान सारी लुई बोली सारा जादू फिर कर सारे फिर रखू बोली दिल नाल बहन सागर मैं गिन के आई हमार का खचोला तेजाना तेजाना बहुत सजीदा चोला चार चार रंग के लिए तेरे सेक्स है आज आसमान का इशारा सेक्स है कार्य ना मेरे जागो जागो कार्य मेरे और अब जा जागो जागो बेहद मशहूर जनाब को वेलकम जी बाबू क्या खिलाड़ी विचार थे नहीं नहीं कहे थी जैसा कहे था हाँ ठीक है आधे पाए 48 ये जमाया के 48 जी हाँ गुड शॉट हेलो माशाल्लाह सारे अच्छे कंटेंडर दिलावर हुसैन जिला छांग माशाल्लाह सारे मेहमान हैं अल्लाह वाला ने जिंदगी रखे और बेहतरीन कंटेंडर आज जनाब मोहम्मद अशरफ मलवाना साहब जिला लिया जिंदगी दराज हो गया सजना ते बेहद मशहूर ते ममनो इको शॉर्ट सर्विस डेंजर मैन आलम अजीब फखरे सबात में दिशा आउट होकर पवेलियन में वापस अगला सारे बैट्समैन माना शख्सियत आर नबी औलादेनी सैयदादा सैयद पीर मदीशा आउट होकर वापस पवेलियन में आ रहे हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं अच्छे बल्लेबाज हैं अच्छे बल्लेबाज हैं मियर माशाल्लाह अर्सा बेहद मशहूर है ये अंगाचो कटवा के देखते हैं तो भी से तो मेरा पैर का शाचार बहुत ही उम्दा बहुत ही शानदार चो जिस वक्त गेंद बैट से टकराई थी उसी वक्त अंदाजा हो गया था गेंद बोल रहे से पैर अब गेंद बोल रहे से तहत निकल चार अंक छक्का तो छह छक्के मेरा भाई अल्लाह दिया मान रहे हजाती हो जीते खड़े टेंशन के में एक और हवाई फेर अंपायर का इशारा बाद में आएगा मैं आपको पहले बता देता हूं ये छक्का हजाती हो मेरा बच्चा बैट्समैन है हजाती हो भी सो ये शादा खुदा नजर पाक को बचा भी चश्मे बदू गौर गौर शेख भाई बच्चा गुड बाइट मलिक वकास आजाद क्रिकेट क्लब मलिक वकार गुड और हसन अल मरूफ हसनी ऊंचा फेर दिया और गेंद
49 से तो जो कमेंट्री बॉक्स ऊपर शमियाना था उसके ऊपर से 6 रन के लिए मलिक कयूम माशाल्लाह मलिक कयूम सारे टूर्नामेंट चीफ ऑर्गेनाइजर सियासी समाजी शख्सियत आज इलेक्शन के उम्मीद